का फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर एक नई जानकारी लेकर आए हैं। दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर आज हम बात करने वाले हैं जो कि BSNL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ तो अति महत्वपूर्ण है और दूसरा न्यूज़ BSNL एम्प्लॉय के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BSNL EU कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के शीघ्र नवीनीकरण के लिए प्रबंधन पर लगातार दबाव बना रहा है। BSNL EU ने 4/5/2022 को भी CMD BSNL को पत्र लिखा है। इस मुद्दे पर श्री PK पुरवार CMD BSNL आज कॉम पी अभिमन्यु GS और कॉम जॉन वर्गीज उप GS द्वारा CMD BSNL ने जवाब दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया था। हालांकि दोनों बैंक समझौता ज्ञापनों को नवीनीकृत करने के इच्छुक नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, रिवेन्यू से रिलेटेड ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है। यूनियन बैंक और कैनरा बैंक जो है अब और ज़्यादा BSNL के साथ नहीं रहना चाहता है, अपना जो है कनेक्शन कटवाना चाहता है। हालांकि दोनों बैंक समझौता ज्ञापनों को नवीनीकृत करने के इच्छुक नहीं है, यह BSNL की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण हो सकता है। CMD BSNL ने कहा उन्होंने यूनियन बैंक से कुछ महीने इंतजार करने का अनुरोध किया है, जिसके बाद एक बार फिर प्रबंधन दोनों बैंकों से संपर्क करेगा। तो चलिए अब दूसरे न्यूज़ की ओर चलते हैं। JTU LIC समस्या, आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों अभी ये बहुत ही चर्चित मुद्दा है। BSNL EU CMD BSNL से मिलती है, ठोस प्रस्तावों के आधार पर समस्या को हल करने के लिए तैयार है, CMD BSNL का कहना है। BSNL EU सभी सर्किलों में पर्याप्त संख्या में रिक्तियों के साथ आगामी JTU LIC के संचालन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में BSNL EU ने कल CMD BSNL को पत्र लिखकर मांग की कि पिछले साल लागू JTU से SD पदोन्नति के कारण खाली हुए सभी JTU पद LIC के रूप में उपलब्ध कराए जाएं। इस संबंध में कॉम्पी अभिमन्यु GS कॉम जॉन वर्गीज उप GS और PK पुरवार ने आज BSNL की ओर से दिए गए पत्र में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। संघ की ओर से 11 अंचलों में JTU पदों की अनुपलब्धता और 9 अन्य मंडलों में कुछ ही रिक्तियों की उपलब्धता की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव दिए गए थे। अंत में CMD BSNL ने कहा वह इस मुद्दे पर सहानुभूति रखते हैं और समस्या को हल करने के लिए संघ द्वारा दिए जाने वाले ठोस सुझावों पर गौर करने को तैयार है। तो देखते हैं दोस्तों इस मुद्दे पे कितना जल्दी समस्या हल हो पाता है। अगर कोई भी समस्या हल होता है तो हम आपको ज़रूर वीडियो बनाकर सूचित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।